जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से मंगलवार की सुबह कोलकाता के लिए हवाई जहाज ने पहली उड़ान भरी। इसके साथ ही झारखंड में एयरपोर्ट की संख्या अब 3 हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हवाई जहाज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोलकाता के लिए सोनारी एयरपोर्ट से 10:30 बजे यह हवाई जहाज उड़ान भरी। वहीं इस हवाई जहाज में 9 सीट वाले इस विमान में पहले दिन सारी सीटें फुल रही। पहले दिन 9 लोगों ने कोलकाता के लिए विमान बुक किया था। मौके पर मौजूद टाटा स्टील के चाणक्य चौधरी ने बताया कि इस शुरुआत में बहुत सारे लोग भागीदार हैं। यह भारत सरकार की स्कीम है जिसके तहत इंडिया वन एयर को लाइसेंस मिला है। शुरुआत अच्छी है, झारखंड सरकार से उन्हें सपोर्ट मिला है, सरकार की ओर से सुरक्षा प्रदान की गई है। ATC का पेमेंट टाटा स्टील करेगी। आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या को देखते हुए उड़ान की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। इंडिया वन एयर कंपनी की ओर से जमशेदपुर से कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए सुविधा दी गई है। जमशेदपुर से कोलकाता के लिए 1999 और जमशेदपुर से भुवनेश्वर के लिए 2999 रुपए किराया रखा गया है। यात्री indiaonair.com की वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं या फिर एयरपोर्ट जाकर टिकट की बुकिंग की जा सकती है। तैयार किया जाए ताकि यहाँ पर लोगों को एयर कनेक्टिविटी बेहतर सुविधा उपलब्ध हो। धन्यवाद। आप देख ही रहे थे इनॉग्रेशन के टाइम में कि ये एक अच्छी शुरुआत है। जैसे किसी ने कहा कि मंगल शुरुआत है, मंगलवार के दिन 31 जनवरी 2023, और इसमें बहुत से भागीदार हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है ये रीजनल कनेक्टिविटी की, जिसके तहत इंडिया वन एयर को लाइसेंस भी मिला जमशेदपुर और कलकत्ता को कनेक्ट करने का। उन लोगों ने ये भी कहा कि चलिए एक नॉन RCS सेक्टर है भुवनेश्वर जमशेदपुर, उसको भी कनेक्ट किया जाए। और शुरुआत अच्छी है क्योंकि 9 सीटर एयरक्राफ्ट है, सो 9 सीटें भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट लोगों की बहुत है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना पूरा स्टाफ यहाँ दिया है। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से भी बहुत हमको सपोर्ट मिली है, जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज उन्होंने दी है। टाटा स्टील की तरफ से मेंटेनेंस जो हम लोग कमर्शियल टर्मिनल को रेडी किए हैं या इक्विपमेंट लगाए हैं या एयर स्ट्रिप का पूरा मेंटेनेंस है, जो ATC सर्विसेज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे रहा है उसका पूरा पेमेंट हमारी तरफ से जाएगा। तो आई थिंक इसमें बहुत भागीदार हैं और सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि एयर ट्रैफिक मूवमेंट भी लोगों का बड़ा हुआ है और कनेक्शन भुवनेश्वर से जमशेदपुर बहुत अच्छा कनेक्शन है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये लोग जब देखेंगे कि फुटफॉल है और टिकट्स बिक रही हैं, तो शायद 1 से 200 TB करने का प्लान करें।